नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की मूवमेंट के दृष्टिगत सभी अंतर राज्य और अंतर जिला सीमाएं सील करने के निर्देश दिए हैं। जी हां, ये इस समय की बड़ी खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की बार बार हो रही मूवमेंट को देखते हुए अंतर राज्य और अंतर जिला सीमाएं सील करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि उन्हें रोक कर रखा जाए और जाने की अनुमति हरगिज न दी जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कही है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वहीं पर उनको रोक करके रिलीफ कैंप का आयोजन किया जाए, वहां पर रिलीफ कैंप स्थापित किए जाएं और उनको खाने पीने तथा रहने की व्यवस्था भी दी जाए। इसके बावजूद अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि रिलीफ कैंपों के अंदर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे जो कि खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी सारा ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ इन कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी मुख्य मार्गों के साथ साथ ऐसे रिलीफ कैंप स्थापित किए जाएं। इसके साथ साथ ही आम लोगों को भी रास्तों पर रहने की अनुमति बिल्कुल न दें। जिला स्तर पर कॉल सेंटर भी स्थापित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी कहा है कि आपदा के इस दौर में, इस समय में जो समाजसेवी संस्थाएं हैं उनको भी जोड़ा जाए और उन लोगों की जिम्मेदारी देकर के उन्हें कार्य करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग समेत अनेक सामाजिक संस्थाओं ने हर तरह की मदद की पेशकश पहले भी की है और अब भी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ में रखें। इनके भवनों का भी उपयोग किया जा सकता है, ऐसे आश्रम स्थल और अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो लोग खाने पीने समेत विभिन्न प्रकार की सहायता कर रहे हैं, उन लोगों पर भी ध्यान रखें और इस तरह के आश्रय जहां बनाए जा रहे हैं वहां पर सरकार की और स्वास्थ्य तथा सफाई सुविधा का प्रबंध भी सरकार का हो, गर्म भोजन यहां पर इनको दिया जाए और जहां तक संभव हो स्थानीय और गैर सरकारी संस्थाओं को इनकी जिम्मेदारी दी जाए। जो लोग बुजुर्ग हैं, असहाय हैं, अकेले रह गए हैं उनका भी विशेष ध्यान रखें। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।